मेरी रेसिपीज पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में इस बेल आइकॉन को दबाइए, इससे मेरे वीडियो के सारे नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाएंगे। मिक्स्ड वेज बनाने के लिए मैं इसमें डाल रही हूँ 2 टेबलस्पून ऑयल। ऑयल को हम थोड़ा सा गर्म कर लेते हैं। ऑयल गर्म होने के बाद में सब्जी को फ्राई कर लूंगी। तो पहले मैं दे रही हूँ आलू, 2 मीडियम साइज आलू लिया है। हम मीडियम फ्लेम में फ्राई करेंगे हल्का सा। आलू को मीडियम फ्लेम में 2 मिनट फ्राई करने के बाद मैं इसमें ऐड कर रही हूँ गाजर। मैंने यहाँ पे 1 बड़ा साइज गाजर लिया है, इसको भी हम आलू के साथ फ्राई करेंगे। उसके बाद मैं दे रही हूँ 100 ग्राम के करीब बीन्स, अभी हम इसको फ्राई करेंगे। अगर आप फूल गोभी यानी कि कॉलीफ्लावर भी डालना चाहते हैं तो यहीं पे उसको भी फ्राई कर लीजिए। आपको अगर कुछ पसंद है एक्स्ट्रा सब्जी तो आप यहाँ पे डाल सकते हैं। अलग से सब्जियों को फ्राई करने से ये मिक्स वेज का रेसिपी बहुत ही टेस्टी बनता है, इसीलिए मैं थोड़ा सा इसको फ्राई कर रही हूँ। सब्जी पूरा फ्राई हो गया है, मैंने इसको 5 से 6 मिनट मीडियम फ्लेम में फ्राई कर लिया है। तो अभी इसको मैं ऑयल से निकाल लूंगी। फ्लेम को लो में करके इसमें मैं डाल रही हूँ 1 टीस्पून ऑयल, उसके बाद 1 टीस्पून क्यूमिन सीड्स, 1 मीडियम साइज ऑनियन चॉप्ड, 3 ग्रीन चिलीज, ये आप आपके टेस्ट के हिसाब से दीजिए। अभी इसको हम थोड़ा सा फ्राई कर लेंगे। गैस को लो मीडियम में रख के आप फ्राई कीजिए। अभी इसमें मैं दे रही हूँ 1 टीस्पून अदरक का पेस्ट, 1 टीस्पून लहसुन का पेस्ट। इसको हम फ्राई कर लेंगे। इसको हम जस्ट 2 to 3 मिनट्स फ्राई करेंगे क्योंकि इसका एक कच्चा स्मेल है वो जाना चाहिए। 2 से 3 मिनट बाद मैं इसमें दे रही हूँ चॉप टोमेटो। मैंने एक लार्ज साइज टोमेटो लिया है। उसके बाद मैं दे रही हूँ 1/4 टीस्पून हल्दी पाउडर, 1/2 टीस्पून रेड चिली पाउडर, सॉल्ट टू टेस्ट और थोड़ा सा पानी, अराउंड 2 टेबलस्पून। मिक्स कर लेंगे इसको। मिक्स करने के बाद मैं इसको कवर करके लो फ्लेम में 2 मिनट पका लूंगी। 2 मिनट बाद मैं इसका कवर हटा रही हूँ। मिक्स कर लेंगे इसको। आप देख सकते हैं टमाटर पूरा सॉफ्ट हो गया है। अभी इसमें मैं दे रही हूँ 1/2 टेबलस्पून धनिया पाउडर। मिक्स कर लेंगे इसको। मिक्स करने के बाद मैं इस मसाला को थोड़ा सा भून लूंगी। ये मिक्स वेज की रेसिपी बहुत तरीकों से बनाया जा सकता है, लेकिन मैं एक इजीएस्ट प्रोसेस में आपको दिखा रही हूँ जिसमें झटपट बन जाए और खाने में भी बहुत टेस्टी लगे। मीडियम फ्लेम में जस्ट 2 मिनट भूनने के बाद आप देखेंगे कि ये मसाला पैन से नहीं चिपक रहा है, मतलब हम लोगों का ये मसाला पूरा रेडी हो गया है। तो अभी इसमें मैं ऐड कर रही हूँ थोड़ा सा पानी, मिला लेंगे इसको। मिलाने के बाद मैं इसमें डाल रही हूँ फ्राई किया हुआ सब्जी, 1 बड़ा साइज शिमला मिर्च। मिक्स कर लेंगे इसको मसाला के साथ अच्छे से। मिक्स करने के बाद 1 मिनट हम इसको मसाला के साथ अच्छे से भून लेंगे। 1 मिनट बाद मैं इसमें डाल रही हूँ पानी। मिक्स कर लेंगे इसको पानी के साथ। मैंने यहाँ पे 1.5 कप पानी डाला है। आपको अगर ज्यादा ग्रेवी चाहिए तो आप ज्यादा पानी भी डाल सकते हैं। पानी डालने के बाद मैं इसको कवर कर दूंगी और मीडियम फ्लेम में मैं इसको 5 to 7 मिनट्स पका लूंगी। उसके बाद मैं इसको खोलूंगी। 5 मिनट्स बाद मैं इसका कवर हटा रही हूँ और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ 3 to 4 टेबलस्पून अराउंड मिल्क। आप मिल्क की जगह पे क्रीम भी यूज कर सकते हैं। मिला लेंगे इसको। मिलाने के बाद मैं इसको कवर करके और 8 से 10 मिनट पका लूंगी। 10 मिनट बाद मैं इसका कवर हटा रही हूँ। आप देख सकते हैं ग्रेवी भी ड्राई हो गया है और ये सब्जी भी सॉफ्ट हो गया अच्छे से। आलू, गाजर सब अच्छे से सॉफ्ट हो गया। तो एक बार मिक्स कर लेंगे। उसके बाद मैं लास्ट में इसमें दे रही हूँ 1/4 टीस्पून गरम मसाला पाउडर। मिक्स कर लेंगे इसको। तो अभी ये मिक्स वेज रेडी हो गया है। तो चलिए इसको गर्मा गर्म सर्व कर लेते हैं। धनिया पत्ता से थोड़ा सा गार्निश कर लूंगी। रेडी हो गया है ये क्विक इजी एंड टेस्टी मिक्स वेज। आप इसको घर में झटपट ट्राई कीजिए और मुझे कमेंट्स करके बताइए कि कैसा लगा है मेरा ये नया रेसिपी। प्लीज 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 मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।